हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी बाबा। इस वीडियो के अंदर हम लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट्स की सभी प्लांट्स की लिस्ट याद करने वाले हैं एक सिंपल सुपर बाबा ट्रिक के द्वारा। आपको यहां पर अलग से कोई निमोनिक याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक सिंपल बाबा ट्रिक आपके लिए बढ़िया काम करने वाली है। जब हम सभी पौधों की लिस्ट देखते हैं तो आप पाओगे ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, पर एट द एंड ऑफ वीडियो आप पाओगे कि बिना किसी निमोनिक को याद किए हुए भी आपको सभी के सभी एग्जाम्पल्स तुरंत याद हो जाएंगे। इस लिस्ट के अंदर आपको एक खास बात का ध्यान और रखना है कि कॉटन जो आपके है, इस कॉटन को हमने दो जगह रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट्स में भी है और डे न्यूट्रल प्लांट्स में भी। अगर किसी एक को प्रायोरिटी देनी हो तो यू मस्ट प्रायोरिटाइज कॉटन एज टू बी डे न्यूट्रल प्लांट। कारण ये है कि आपके डे न्यूट्रल ट्रेड की टैगिंग करके इसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग की गई थी। तो जब भी आपके कॉटन का आपके क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपके क्वेश्चन शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट में से किसी को चूज करने का हो तो आप डे न्यूट्रल प्लांट के तौर पर इसको चूज कीजिए, और वरना आप शॉर्ट डे प्लांट के तौर पर भी कॉटन को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं बाबा ट्रिक को इन सभी एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए। बाबा ट्रिक कहती है, सिंपल है, बिग इज स्मॉल एंड स्मॉल इज बिग, और यू मे से दैट लॉन्ग इज शॉर्ट एंड शॉर्ट इज लॉन्ग, यानी जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। एज सिंपल एज दैट, पर इतना आसान नहीं है। आप पाओगे कि साहब जितने भी पौधे आपको बड़े देखने को मिलेंगे वो एक्चुअली शॉर्ट डे प्लांट हैं, और जो आपको छोटे देखने को मिलेंगे वो लॉन्ग डे प्लांट है। आपने ऐसा सोचा, पर आपको अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं करना है। जैसे मैं आपको इमेजिन करने के लिए कहूंगा, अगर आप वैसे करते हो तो इस वीडियो के अंत तक आपको सभी एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। चलिए ट्राई करके देखते हैं बाबा ट्रिक को। जैसे पहला एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं शुगर केन। तो बताइए भाई, शुगर केन कैसा है? तो आप कहोगे सर शुगर केन तो काफी बड़ा है। अब चूंकि ये काफी लंबे हैं, बड़े हैं, तो बाबा ट्रिक के हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट डे प्लांट, यानी जो बड़ा है वो छोटा है। और शुगर केन आते ही आपके दिमाग में लंबे लंबे गन्ने आएंगे, तो आप कह देना कि ये शॉर्ट डे प्लांट है। कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करके देखते हैं। जैसे अभी हमने अगला सेट उठाया है स्वीट पोटैटो का और पोटैटो का। चलिए बताइए इनमें से कौन सा लॉन्ग डे और कौन सा शॉर्ट डे। तो आप तुरंत इसको देख के कह सकते हैं कि जो लंबा है वो छोटा है। इस हिसाब से स्वीट पोटैटो जो आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। ऑन द अदर हैंड पोटैटो जो है वो रिलेटिवली साइज में थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू स्वीट पोटैटो, तो आप कह सकते हैं कि पोटैटो क्या हो गया, लॉन्ग डे प्लांट। सिंपल लग रहा है ना। कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करके देखते हैं, इस बार थोड़े से हार्ड वाले लेते हैं, राइस, स्वीट और ओट्स। देखो अगर आप इन तीनों को खेत में इमेजिन करते हो तो इनके पौधे लगभग आपको सेम हाइट के देखने को मिलेंगे, तब आप जज नहीं कर पाओगे इनमें से लॉन्ग डे शॉर्ट डे कौन सा। मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। राइस, वीट और ओट्स को इसको हम दो टीम्स में डिवाइड कर देते हैं, राइस एक तरफ और दूसरी तरफ आपके वीट और ओट्स। वीट और ओट सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। राइस और वीट्स के आप दाने को ले लीजिए, तो जब आप दोनों ग्रेन्स को होल्ड करेंगे, एक तरफ राइस और एक तरफ वीट को, तो आप पाओगे कि साहब राइस जो है वो रिलेटिवली आपके लंबा है। आप इमेजिन कर सकते हैं बासमती राइस को। अब बासमती राइस लॉन्ग ग्रेन्स, आपको मालूम है कि चावल खाना है तो बासमती राइस खाइए, और बासमती राइस भी लंबी वाली। तो यार जो लंबा है वो छोटा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो राइस क्या हो गया, शॉर्ट डे प्लांट, बिल्कुल सिंपल है। दूसरी तरफ वीट के दाने थोड़े छोटे होते हैं रिलेटिवली, तो फिर अपन ने कहा कि वीट और ओट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। और भाई जब चावल ही खाना है ना, तो सूखे चावल क्या खाने खाने हैं, तो राजमा चावल खाएंगे, ये बढ़िया लग रहा है। या फिर हम लोग खाएंगे चावल को सोयाबीन की सब्जी के साथ में, या फिर अच्छी दाल मखनी के साथ में। तो जब भी आपको चावल खाने हो तो आप इमेजिन करना राजमा चावल, या फिर सोयाबीन चावल, या फिर बढ़िया दाल चावल। तो इससे आपको याद रहेगा कि जिस कैटेगरी के अंदर राइस आता है, सेम कैटेगरी के अंदर ही राजमा, सोयाबीन या फिर आपके दाल आती है। तो राइस कौन से कैटेगरी में आता है, तो राइस का दाना था लंबा, यानी कि शॉर्ट डे, और उसी हिसाब से ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं ये शॉर्ट डे प्लांट में आते हैं। यानी आपको सिंपली याद रखना है कि चावल अकेले नहीं खाने, भाई सूखे सूखे बढ़िया खाओ, कुछ बन के दिखाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है टबैको। और देखो जब भी टबैको की बात आती है तो आपके दिमाग में आएगी सिगरेट, बीड़ी नहीं है, बीड़ी वालों के यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और खासतौर पर सिगरेट वालों के लिए भी यहाँ पर एक वार्निंग लिख दी गई है। तो चलिए बात करते हैं टबैको की। टबैको की जब भी हम बात करेंगे तो दिमाग में आएगी सिगरेट, और जब सिगरेट ही पीनी है तो कुछ लंबी सिगरेट ट्राई करते हैं। तो जब भी आप सिगरेट की बात सोचो तो एक लंबी सिगरेट सोचना, छोटी नहीं, बड़ी सिगरेट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लंबी सिगरेट यानी लंबा है वो छोटा है, और टोबैको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट्स, सिंपल है। कुछ और एग्जांपल ट्राई करके देखते हैं। जैसे क्राइसेंथेमम, यार यहां तो कुछ इमेजिन ही नहीं करना। क्राइसेंथेमम जिसको हम चाइनीज लीली के नाम से भी जानते हैं, ये स्पेलिंग खुद में ही अपना आंसर होल्ड करती है। क्राइसेंथेमम की स्पेलिंग आप देख सकते हो काफी बड़ी है,
और कायदे से जो बड़ा है वो छोटा है, तो क्राइसेंथेमम किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट डेट प्लांट। कुछ और ट्राई करके देखते हैं। इन दो सेट्स को देखो, ये थोड़े से टेडियस हैं। नाम है इसका जैंथियम हैनबीन। जैंथियम को अपन कॉकलेवर के नाम से भी जानते हैं और हैनबीन जो होता है उसको हम हायोसेमस के नाम से जानते हैं। अगर आप ये भूल जाओ कि किसे कॉकलेवर कहते हैं या फिर किसे हम लोग कहते हैं, तो आप सिंपली याद कर सकते हो एच से एच, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको नाम याद करने हैं और खास तौर पर ये एग्जांपल्स जो हैं वो इसी हिसाब से पूछे जाते हैं। अगर आप डिफरेंट मॉड्यूल्स वगैरह तैयार करोगे तो उसके अंदर भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैंथियम और हैनबीन के क्वेश्चंस खासतौर पर फोटोपीरियोडिज्म के अंदर ही आते हैं। तो जैंथियम को हम लोग कहते हैं कॉकलेवर और हैनबीन को हम लोग कहते हैं हायोसेमस। ओके, तो इनको याद करने के लिए हम अपने ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर आपको क्या है, नाम को ही ध्यान से देखना है। तो कॉकलेवर के अंदर वर्ड आता है कॉक और हैनबीन के अंदर वर्ड आ रहा है हैन। तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। अभी हमने कहा कॉक और आपके हैन। जब आपके दिमाग में कॉक और हैन आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बड़ा कौन इनमें से। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि साहब कॉक जो है बड़ा है और जो हैन है वो आपके छोटी है, और उस हिसाब से जो बड़ा है वो छोटा है। तो जैंथियम जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट, और दूसरी तरफ आपके जो हैनबीन देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि जो बड़ा है वो छोटा है। कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि कॉफी। तो कॉफी के लिए सिंपली आपको याद रखना है कि कॉफी तो एक बहाना है यार दोस्तों के साथ में लंबा समय बिताना है। यार जब भी हम लोग कॉफी पीने के लिए हैंग आउट करते हैं तो हमें लंबा समय बिताना होता है, गॉसिपिंग करनी होती है। तो कॉफी के लिए सिंपली याद रखना कि कॉफी तो एक बहाना है लंबा समय बिताना है। तो जब भी हमने बात की है लंबे समय की तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉफी क्या है, शॉर्ट डे प्लांट्स। ये सारा खेल इमेजिनेशन का है, आपको अलग से कोई भी निमोनिक याद नहीं करना। तो जैसे आप कॉफी इमेजिन करोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कॉफी पीना है, लंबा समय बिताना है, इसका मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट है। कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई पीस। अब जब भी पीस यानी मटर की बात करेंगे तो आपके दिमाग में छोटे छोटे दाने आने चाहिए, मटर के बिल्कुल छोटे छोटे दाने। तो जब छोटा है तो इसका मतलब ये लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। तो मटर के छोटे छोटे दाने। अब आते हैं कॉटन पर। जिस तरह से मैंने आपसे पहले कहा था इसी वीडियो के अंदर कि कॉटन दोनों कैटेगरीज में आता है, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल, और साथ में ये भी कहा था कि आपको कॉटन को प्रायोरिटी देनी है डे न्यूट्रल प्लांट के तौर पर। पर मैं आपको दोनों को याद करने की ट्रिक बताता हूं। जब आपको शॉर्ट डे प्लांट के तौर पर याद करना हो कॉटन को, तो आप इमेजिन करना कॉटन की थ्रेड। अगर आपको मालूम है कि थ्रेड जो होती है वो काफी लंबी है यार, तो जो लंबी है वो छोटी है, तो कॉटन क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। अब एक खास कॉमन ऑब्जर्वेशन देखिए, यहां पर आप पालक की बात कर लीजिए या फिर लेटस की बात कर लीजिए या फिर पत्ता गोभी यानी कैबेज की बात कीजिए, सुगर बीट की या फिर बीट रूट की या फिर कैरेट की या फिर रेडिश की, आप कुछ भी इमेजिन में लीजिए तो आपके दिमाग में छोटे छोटे पौधे ही आएंगे। आपको यहां पर मूली के लिए अलग से नहीं सोचना कि लंबी सी मूली है या फिर लंबी गाजर है, ऐसा नहीं सोचना है। वो चीज अंडरग्राउंड है, उसको अंडरग्राउंड रहने दीजिए, उसको आपको बाहर खोद के नहीं निकालना है। आपको सिर्फ इमेजिन करना है इनके पौधे। तो जब आप इनके पौधे को देखेंगे तो इनके पौधे सारे के सारे आपको छोटे ही मिलेंगे। जैसे पालक देखिए, पालक बिल्कुल छोटी है, घुटने से भी आपको नीचे देखने मिल रही है, या फिर आप पत्ता गोभी देख रहे हैं या फिर मूली के पौधे को आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सारे पौधे आपको क्या देखने मिलेंगे, ये आपके काफी छोटे होंगे, और कायदे से जो छोटा है वो बड़ा है। इस हिसाब से ये जितने भी आपके कैटेगरी देखने को मिल रही है, चाहे वो आपकी स्पिनैच है या आपके लेटस है या फिर कैबेज है या फिर सुगर बीट, कैरेट, रेडिस, जो भी आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी क्या हो गए, लॉन्ग डे प्लांट्स, क्योंकि इनकी साइज कैसे होगी, छोटी। ओके, उसके बाद में हम अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्लासिकल है ये, और ये है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम को अपन कहते हैं लार्क स्पर, और स्पर जो वर्ड होगा मॉर्फोलॉजी में आप सीखते हो कि स्पर क्या होता है, तो ये होता है स्मॉल बीक लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटी चोंच की तरह होता है, स्मॉल बीक लाइक स्ट्रक्चर। अब चूंकि छोटी बीक की तरह छोटी है, इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट। आप यहां पर देख सकते हो कि जो कोरोला है, कोरोला ने यहां पर आपकी क्या है, एक छोटी चोंच सी बना रखी है, इसे कहते हैं स्पर। ये एक आउटग्रोथ होती है। तो स्पर क्या होता है, स्मॉल बीक लाइक स्ट्रक्चर, और जब स्मॉल है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट। कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करके देखते हैं। जैसे अभी हम डे न्यूट्रल प्लांट्स की बात करते हैं, आफ्टर लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट की अगर अपन लिस्ट देखें तो उसको आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, जैसे अभी हमने कहा सीपीएमटी स्कोर, और सीपीएमटी स्कोर आपको मालूम है कि सीपीएमटी स्कोर के ऊपर, यानी कि जो आप पीएमटी में स्कोर कर रहे हो, ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नीट के अंदर आउट परफॉर्म करके दिखाना है, राउंड द ईयर आपके जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी के अंदर आपका स्कोर कंसिस्टेंट होना चाहिए।
इसका मतलब चाहे लंबी दिन हो चाहे छोटी दिन हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये डे न्यूट्रल प्लांट मान लीजिए, डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर लंबे दिन या छोटे दिन का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी तरह से चाहे लंबे दिन हो चाहे छोटे दिन हो, आपका स्कोर कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो बात साफ है कि सीपीएमटी स्कोर से आप याद कर सकते हो डे न्यूट्रल प्लांट्स को। यहाँ पर सी का मतलब यहाँ पर कॉटन के लिए, क्योंकि खासतौर पर मैंने आपसे कहा था कि कॉटन को आपको प्रायोरिटी देनी है एज टू बी डे न्यूट्रल प्लांट। दूसरी तरफ आपको पेपर देखने को मिल रहा है, या फिर हम मेज की बात करें, टोमेटो की बात करें, सनफ्लावर की, या फिर ककम्बर की बात करें, ये सभी आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स की कैटेगरी में। या तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, या फिर आप इसी चीज को फर्दर बाबा ट्रिक को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे याद करो, आप जब भी आप मॉल वगैरह में जाते हो तो आपने टोमेटो और चिली के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे। आपको कब देखने को मिलते हैं? लंबे दिनों में यानी गर्मियों में देखने को मिलते हैं, या छोटे दिनों यानी सर्दियों में? तो आप कहोगे सर ये प्रोडक्ट्स तो आपके राउंड द ईयर मिलते हैं, यानी चाहे लंबे दिन हो चाहे छोटे दिन हो, आपको राउंड द ईयर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब साफ है कि जब ये हर जगह आपको हर समय देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये है डे न्यूट्रल प्लांट, इनके ऊपर अलग से कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अपन कहेंगे साहब ये आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो दो एग्जाम्पल्स तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं, टोमेटो और चिली। तो या तो आप ना वैसे सीपीएमटी स्कोर के हिसाब से याद कीजिए, या फिर सिंपली इमेजिन कीजिए टोमेटो और चिली के ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके सामने दिखा रखे हैं, और आप पाओगे कि ये राउंड द ईयर मिलते हैं, चाहे लंबे दिन हो चाहे छोटे दिन हो, यानी कि इनके ऊपर डे लाइट का कोई असर नहीं है और ये आएंगे डे न्यूट्रल प्लांट्स में। उसी तरह से आप इमेजिन कर सकते हो मेज को। अब यार मक्के की जब भी बात चलेगी तो पॉपकॉर्न दिमाग में आएगा और मूवी वगैरह की बात याद आएगी। तो मुझे बताइए कि जब भी आप मूवी देखने जाते हो तो आप पॉपकॉर्न कब खाते हो? क्या गर्मियों में पॉपकॉर्न खाते हो या सर्दियों में? तो हमने कहा सर मूवी जब भी देखेंगे तो फिर पॉपकॉर्न तो खाएंगे ही खाएंगे। तो इसी तरह से आपके पॉपकॉर्न जो है, या फिर आप मेज कह दीजिए, राउंड द ईयर आपके अवेलेबल है और ये आएगा डे न्यूट्रल प्लांट्स के तौर पर। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन। कॉटन टू बी प्रेसाइज हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट्स के तौर पर ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि डीएनपी। और जब भी आप कॉटन इमेजिन करो तो एक तरफ तो आपने कॉटन की थ्रेड इमेजिन की थी और लंबी थ्रेड से आपने याद किया था शॉर्ट डे प्लांट, बराबर उसी तरह से आप याद कर सकते हो कॉटन के कुछ कपड़े। अब कॉटन के कपड़ों की बात कर लो या फिर कॉटन के मास्क आप ले लो, तो आप बताइए कि ये कॉटन के मास्क या फिर कॉटन के कपड़े आप कब पहनते हैं? तो कपड़े तो हम राउंड दिए पहनते हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर ना तो लंबे दिन की बात चल रही है ना यहाँ पर छोटे दिन की बात चल रही है, ये आएंगे आपके डे न्यूट्रल प्लांट्स की कैटेगरी में। फर्दर उसी तरह से हम सनफ्लावर का एग्जांपल ले सकते हैं। सनफ्लावर थोड़ा फनी भी है। सनफ्लावर की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि सनफ्लावर जो आपको देखने को मिलता है वो चेज करता है सन को, यानी कि जैसे आपके सूर्योदय होगा तो उस तरफ आपके मुंह रहेगा और जैसे आपके सूर्यास्त होगा ये सनफ्लावर आपकी क्या है उसको चेज करता है। तो उसी तरह से आपने ये चीज नोटिस भी की होगी, तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके सूरज उगेगा तो उस तरफ मुंह होगा और जब आपके अस्त होगा तो उस तरफ जाएगा और ये लगातार आपके डाईयूरिनल मैकेनिज्म दिखाता रहेगा और वो इस तरह से सूरज की तरफ फॉलो करता रहेगा। तो इससे आपको इमेजिनेशन में कुछ ऐसे लेना है कि सनफ्लावर रोज सूरज को ना कर रहा है, यानी कि वो ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि रोज आपके सनफ्लावर सूरज को ना कर रहा है, यानी कि लाइट का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बस सिंपल है। तो सनफ्लावर को आप इमेजिन कर सकते हो सन के हिसाब से और वो लाइट को कर रहा है रोज की रोज मना, यानी कि लाइट का उसके ऊपर कोई असर नहीं होना है, ना तो लंबे दिन का ना छोटे दिन का। तो सनफ्लावर आ जाता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। आप इसको ऐसे भी इमेजिनेशन के तौर पर देख सकते हो। और लास्ट में आते हैं कुकरबेट्स। ये हैं आपकी पसंदीदा सब्जियां जो मम्मी आपसे रोज कहती है खाने के लिए, और राउंड द ईयर आप देखना कि साहब टिंडे की सब्जी और आप हमेशा देखते हो, ये आपकी पसंदीदा सब्जी है और राउंड द ईयर चाहे लंबे दिन हो चाहे छोटे दिन हो, आप हमेशा इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये राउंड द ईयर हमारे लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। ये सब्जियां कद्दू, लौकी, खीरा और जितने भी कुकरबिटेसी के मेंबर हैं वो सभी आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स के तौर पर। तो इस लिस्ट को अगर आप अभी देखोगे और किसी भी आप एग्जांपल को दिमाग में बैठा के देखो तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि वो डे न्यूट्रल प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है या फिर लॉन्ग डे प्लांट है। आपको अलग से कोई निमोनिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो डे न्यूट्रल प्लांट्स को जैसे मैंने आपको इमेजिनेशन में डाला वैसे याद कर सकते हो, या फिर आप सिंपली सीपीएमटी स्कोर भी याद कर सकते हो कि आपको कंसिस्टेंट रखना है थ्रू आउट द ईयर, आपको ना तो लंबे दिन का ना आपके छोटे दिन का असर होगा, वो स्कोर तो अपना कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो कैसे लगी बाबा ट्रिक? ऐसे वीडियोस के लिए बनी रहिए बॉटनी बाबा पर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। जॉइन द बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। यूज प्रोमो कोड बॉटनी बाबा टू अवेल 15% डिस्काउंट इन फीस। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस।